विधायक साहब, तो ये चार बार आए हैं बता रहे हैं, तो भाई चक्कर ना कटे लोगों, कैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एक बार में काम हो जानी चाहिए लोगों के। और ये समस्या है गाँव में, इस बात का विरोध भी है कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मुआवजा भी किसान के पैसे कट चुके हैं, और जो कि 2022 में हमारे बाढ़ के कारण फसल खराब हुई थी, वैसे तो हम नहीं ले रहे, हम तो हमारे पैसे जमा करा रखे हैं पहले किसान। ये तो बीमा कंपनियां भी, जिसको जो आदमी का बीमा करती है वो भी कंपनियां देती हैं, हादसा कुछ हो जाता है तो ये तो प्रधानमंत्री कागज कुगज पूरे हैं कि नहीं है? बिल्कुल सारा काम फिट है जी हमारा, जो कि 90% दिखा रखे है जी। बतानी थी उनसे, बैना साहब से, उनको भी हुआ लिए चार बार की दिक्कत के बार जब कर बैना साहब ने, तो भैया ये कह रहा मैंने डीडी के पास फोन कर दिया है, वो पता नहीं डीडी वो आप है कोई बीमा कंपनी का मालिक है कोई डीडी, ये बात कह के हमारा पंडा छुटा लेता है। इसको वोट देवांगे हम, खूब इसकी सहायता करांगे। वोट तो जब इलेक्शन आओगे जब दोगे, आज दे दोगे? हाँ, तो जदे देवांगे, ये बलाई है, इसका स्वागत करे है, हमारी बेटी की है। तो मैं उम्मीद से जिन्हें खट्टर साहब की मैं टिकट देके भेजे, खूब उम्मीद है जदे है ना, इसने हमारे बीच में बुलाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी की महामंत्री है, महिला मोर्चा की गायत्री देवी, और घड़ी गाँव में इस वक्त यहाँ पर ये आई है, लोगों ने स्वागत किया है, लोगों की समस्याएं सुनी हैं कुछ देर पहले यहाँ पर, और लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, किस खुशी में लड्डू हैं ये भी पूछेंगे और बात कर लेते हैं एक बार। गायत्री जी, आज लोगों की समस्याएं सुनी हैं, किस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं? देखो जी, हमारा ग्रामीण क्षेत्र से सब परिचित हैं और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूँ, तो मुझे आज यहाँ पर 2022 से इनका मुआवजा रुका हुआ था, तो उसके कंसर्न मैंने डिपार्टमेंट से को अवगत कराया है कि ऐसे मुआवजा मिल गया क्या, लड्डू बांटे जा रहे हैं? ये लड्डू तो इसलिए बांटे जा रहे हैं जी, आज इनकी बेटी गांव में आई है और गांव में इनको खुशी हो रही है कि हमारी बेटी गांव में आई है और हमारे गांव के लिए अच्छे काम करने के लिए तत्पर। ये अच्छी बात है, मतलब कोई नेता पहुंचता है गांव में तो उस खुशी में भी लड्डू बांटे जाते हैं। और किस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं? नेता की बात अलग होती है जी, इनकी बेटी आई है गाँव में आज, एक चीज ये जी। समस्याएं और किस तरह की लोग बताते हैं? देखो, एक तो मुआवजे की समस्या थी, एक जो दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने डिपार्टमेंटों में अपने फार्म भर रखे हैं, और कुछ समय पहले ही मतलब जब विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने जहां गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं वो तो कम हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे आना चाहते हैं वो आए आह्वान करते हैं कि हम उन बच्चों को भी रोजगार दिलाने का काम करें। सरकार से कितने खुश नज़र आते हैं लोग तो काफ़ी सारे हैं, तो कितने खुश नजर आते हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से? आप देख लो मेरे पीछे, देख सकते हैं आपके कितने सारे लोग हैं। आज मैं बीजेपी की ही हूँ, बेटी तो मैं हूँ इनकी, लेकिन मैं भाजपा की महिला की प्रदेश महामंत्री भी हूँ, तो खुशी है, ये खुशी इनकी आंखों में आप देखिए, लड्डू बट रहे हैं तो खुशी है, ये हमारे सरकार की खुशी है। लड्डू क्या बट रहे हैं, मुआवजा मिल गया ना जी? ये गायत्री देवी के आने पर लड्डू बटे गए हैं, ताकि हम भी इस पर भरोसा करते हैं कि ये गांव गड्डी को मुआवजा दिवा दी। लोग कहते बोला कहते भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई मुआवजे की कोई? ये प्रॉब्लम 2022 में हमारे बीमे काट दिए गए हैं, पैसा सरकार ने वसूल लिया किसानों से, लेकिन मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। क्या कमी? कमी आई जी हमारे, जो हमारे हाँसी का पंजा भी उभर गया है उसको किसानों का कोई ध्यान नहीं है, नहीं गाँव में आता कहते मिले थे उसको, 4-5 बार मिल चुके हैं। आप मिले हो? हम भी मिले हैं जी, बिल्कुल। क्या क्या बोले? उसकी कोठी पर गए, उसने कहा कि मैंने डीडी के पास फोन कर रखा है और सीएम को पास लेटर भेज रखा है, वो जल्दी मिल जाएगा आपको, लेकिन हम 4 बार जाए हमारे को यही कहा जा रहा है। कोई टेक्निकल वजह है कोई इसकी? कोई इसकी जी कोई नहीं पता हमारे को, तो बिल्कुल बीमा कंपनी गांव में सर्वे के लिए आई थी, खेतों में पानी खड़ा था, उस टाइम हमारे फोटो उतारे गए थे। अगर देख रहे हो विधायक साहब, तो ये 4 बार आए हैं बता रहे हैं, तो भाई चक्कर ना कटे लोगों, कैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एक बार में काम हो जानी चाहिए लोगों के। और ये समस्या है गांव में, इस बात का विरोध भी है कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मुआवजा भी किसान के पैसे कट चुके हैं, और जो कि 2022 में हमारे बाढ़ के कारण फसल खराब हुई थी, वैसे तो हम नहीं ले रहे, हम तो हमारे पैसे जमा करा रखे हैं पहले किसान। ये तो बीमा कंपनियां भी, जिसको जो आदमी का बीमा करती है वो भी कंपनियां देती हैं, हादसा कुछ हो जाता है तो ये तो प्रधानमंत्री कागज कुगज पूरे हैं कि नहीं है? बिल्कुल सारा काम फिट है जी हमारा, जो कि 90% दिखा रखे है जी। बतानी थी उनसे, बैना साहब से, उनको भी हुआ लिए चार बार की दिक्कत के बार जब कर बैना साहब ने, तो भैया ये कह रहा मैंने डीडी के पास फोन कर दिया है, वो पता नहीं डीडी वो आप है कोई बीमा कंपनी का मालिक है कोई डीडी, ये बात कह के हमारा पंडा छुटा लेता है, मेरे को काम है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। बस कोशिश ये रहेगी भी जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बीमे का प्रीमियम भर रखा है, प्रीमियम भर रखा है तो फिर मुआवजा मिलना ही चाहिए। सर्वे कर चुकी हैं हमारे गांव की टीका, उन्होंने भी 90% खराब बीमा कंपनी वाले क्या हैं? बीमा कंपनी वाले कहा है जी हमने सीएम के पास लेटर भेज रखा है जी, उनके पास भी हम 3-4 बार मिले हैं किसान, लेकिन वो कह रहे हैं जी आप इंतजार करो। सीएम क्या करेगा, प्रीमियम भर दिया, बीमा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं आप इंतजार करो जी, कितने दिन इंतजार करा जी,
2022 का मुद्दा है। गायत्री देवी आई थी, इस तक की उम्मीद है इसे जी? हम तो कुछ उम्मीद को मांगा ये अपने वोट फिलहाल अपने वो कर रहे हैं, अभी ले गई क्या तसली कर रहा हमें कुछ नहीं मिले नहीं राज नहीं तसली आज की भी नहीं है ये कह रहे वो लिख की जो आप भरोसा सा उठ रहा है सरकार को जो है मतलब सॉलिड काम करने चाहिए। हमारे गांव गढ़ी के अंदर बहन गायत्री जी का बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद दिए। अगर इनको टिकट मिलती है तन मन और धन से पूरे जोरों के साथ बहुत ज्यादा काफी वोट जितवाएंगे। किसी और नहीं मिल जाए तो नहीं, हम तो इनको जितवाएंगे बीजेपी को। कोई कुछ हूँ भाई, किसी और ने दे दे पार्टी बहन जी को, हमारी च्वाइस है गांव की बहन जी की। बाई चांस बहन जी नहीं मिला, किसी और ने मिला तो उसने भी दुआ हो गए। क्यों नहीं मिला, मिला हम सारे गांव इकट्ठे हो जाओगे बहन जी के लिए, कैसे कौन मिले बताओ, इकट्ठा गाँव सब सब लगा से साथ में कैसे कौन सा बताओ, युवा भी लगेंगे बूढ़े भी लगेंगे बुजुर्ग लोगों के पास में दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं है। मतलब ऑप्शन एक है कि भाई इनको टिकट मिल जाए तो फिर साथ है, दूसरा अदरवाइज कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल बहन जी साथ में। देखिए कि भाजपा का हर व्यक्ति हर बच्चा हर महिला भगवा रंग में रंगा हुआ है, भगवा रंग में रंगा हुआ है। जो नहीं रंगे हुए हैं उनको रंगने के लिए गायत्री देवी इन दिनों गांवों के दौरे पे हैं। जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि इनका एक योजना है कि पूरे हांसी हल्के के गांव हैं जो तमाम गांव में वो जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से मुलाकात करें, उनसे पूछें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनकी शिकायतें सुने और फिर सरकार से कोशिश करके उनका हल भी निकलवाएं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।